इस एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कोई चीज? लेट कैपिटल डब्ल्यू बी अ सबसेट ऑफ एम 2 बाय 2 मैट्रिसेस, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल मैट्रिसेस विद जीरो डिटरमिनेंट्स। ठीक है, अच्छा शो क्या करना है आपने? शो दैट W इज नॉट अ सबस्पेस। ठीक है, सर ये कर ली थी ना? ये वाली कर ली थी मेरे ख्याल में, मैं वही कह यस रहा हूँ सर, ना, लास्ट मेरे पास सॉल्व की हुई है ये वाली, ये कर ली थी। तो चले मैं दोबारा अभी करवा देता हूँ। देखिए, नॉट सबस्पेस के लिए मैंने आपको थ्योरम नंबर 1 बताया था, ठीक है ना। जब सबस्पेस ना प्रूफ करनी हो तो उसके लिए थ्योरम नंबर 1 था। थ्योरम नंबर 1 में क्या था कि थ्योरम 1 में क्या था आपके पास कि पहली कंडीशन क्या थी, दो वेक्टर ले लें और उनका सम भी किस में आना चाहिए वो भी, इफ देन, ठीक है। और दूसरा क्या था, अल्फा अगर कोई रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और डब्ल्यू किसी भी कैपिटल डब्ल्यू को बिलोंग कर रहा है तो अल्फा टाइम ऑफ डब्ल्यू भी डब्ल्यू को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। ये था आपके पास, तो हम इसको प्रूफ क्यों कर लेते हैं या इसको सॉल्यूशन कैसे निकाल लेते हैं, डिस प्रूफ कर लेते हैं कि हम इस प्रॉपर्टी के थ्रू, देखिएगा, एक W1 मैट्रिसेस में लेट कर लेते हैं W1, ये आपने ऐसी मैट्रिसेस उठानी है जिनका डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए। W1 अगर मैं ले लेता हूँ 1 0 0 0, इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, क्या जीरो आता है? नहीं आता। W2 ये वाली ले लेते हैं हम 0 0 0 1, इसका W2 का डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, ये भी जीरो आ रहा है। नाउ पहली प्रॉपर्टीज की करते हैं, हम ये कहते हैं ना W1 और W2 क्या W को बिलोंग कर रहे हैं, इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं, ऐसे सेट को जो M 2 बाय 2 का है, ठीक है ना। अब इनको ऐड करते हैं, W1 प्लस W2, W1 प्लस W2 क्या आ जाएगा आपके पास, 1 0 0 0 प्लस 0 0 0 1, तो इनको सम अप करें 1 0 0। अब ये उस सेट को W1 प्लस W2, ठीक है, जो रिजल्टेंट इसका आएगा वो भी उसी सेट को बिलोंग करना चाहिए था, कैपिटल W को बिलोंग, और कैपिटल W को वही सेट बिलोंग कर रहे हैं, वही वेक्टर्स बिलोंग कर रहे हैं, वही मैट्रिसेस बिलोंग कर रही हैं जो जिनका सम तो उसी सेट को बिलोंग करे W को, प्लस इनका डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए, जीरो भी आना चाहिए, ये कंडीशन भी है लास्ट, ठीक है। तो अब इसका डिटरमिनेंट लेते हैं, जब हमने इसका डिटरमिनेंट लिया क्या बन जाएगा, 1 0 0, ये तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ये तो ना जीरो नहीं आ रहा, ठीक है, पहले दो में तो जीरो आ रहा था, इसमें जीरो नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये उसी सेट को, W सेट को तभी बिलोंग करता अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता, नंबर 1 इसकी आउटपुट भी 2 बाय 2 की आती, वो तो बात ठीक हो गई है, लेकिन उसका डिटरमिनेंट भी क्या आता, जीरो आता, ठीक है। तो सिंस सम ऑफ टू मैट्रिसेस
इज अगेन टू बाय टू, बट देयर डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो. इनका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है? नॉन, जो कि बात गलत कर दिया, ठीक है ना. तो अच्छा, ये था आपके पास. अच्छा, यहाँ पे एक थ्योरम है आपके पास छोटा सा, कि ये मैंने कल लास्ट टाइम बताया था, अगर W1 ये कोई भी वेक्टर स्पेस है भी, इसके दो सबसेट है, ठीक है, एक ये है एक ये W1 है, ये W2 है, ये बड़ी वेक्टर स्पेसेस सब स्पेसेस है, सबसेट नहीं है, ये सबसेट V के तो हैं, लेकिन ये इटसेल्फ भी क्या है, ये इटसेल्फ भी सबस्पेस है, ये भी सबस्पेस है, ये वाली भी क्या है, ये भी सबस्पेस है. एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड. अच्छा, तो W1 और W2 कोई भी दो सबस्पेसेस हैं किसकी, इस वेक्टर स्पेस में, ठीक है. तो हम ये कहते हैं कि अगर ये दोनों सबस्पेसेस हैं तो इसकी जो इंटरसेक्शन आ रही है, इफ इफ और ये इसके ये भी इफ में आ रहा है, इफ W1 इज अ सबसेट ऑफ V और W2 इस सबसेट ऑफ बी, ये भी इसमें, देन क्या होगा, W1 और W2 का जो इंटरसेक्शन है ये भी क्या होगी, दिस इज आल्सो अ सबस्पेस, वो ये कह रहा, ठीक है. तो देखें जरा इसमें कैसे प्रूफ कैसे करेंगे. क्या थ्योरम है हमारे पास, लेट W1 एंड W2 बी सबस्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस V, सबस्पेस ऑफ V, ठीक है. जो मैंने फिगर बनाई थी मैं दोबारा बना देता हूँ, ये कोई भी आपके पास V वेक्टर स्पेस है, ठीक है, ये W1 है, ठीक है, ये सबस्पेस है आपके पास, ये कोई भी W2 है,
ये भी सब स्पेस है, तो इसकी जो इंटरसेक्शन आ रही है डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू, ये भी क्या होगी? प्रूफ क्या करना है आपने? ये भी सब स्पेस होगी। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं। देखें W1 भी सबस्पेस है और W2 भी सबस्पेस है, ये बात तो ठीक होगी, ठीक है ना, ये कंफर्म है। आइए यहां पे हम लिख लेते हैं, सिंस W1 एंड W2 आर सबस्पेस, ठीक है। अच्छा अब देखें, सबस्पेस प्रूफ करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है? सबस्पेस प्रूफ करने के लिए एक तो यूज थ्योरम, वीडियो रुकी वन रुकी है, वीडियो अभी भी रुकी हुई है। यस सर, यस सर, अब आ रही है? नहीं सर, क्या चक्कर हो गया? मेरे पास तो शोर नहीं, वीडियो सर ब्लैक स्क्रीन हुई हुई है पूरी। हैं मुझे तो शोर ही है। चले मैं ऑफ करके दोबारा ऑन कर लेता हूँ। अभी भी ऐसा ही है? Yes. Yes, एक यार मुझे तो सही नजर आ रही है बिल्कुल यहाँ पे। सर लगता है वीडियो पॉज हो गई है शायद यहाँ पे। हाँ अच्छा बेबी, इधर तो ब्लैक सर, मीटिंग लीव करके ज्वाइन करके चेक कर लें। हाँ चले यूं कर लेते हैं एक बार। अब बेहतर आ रहा है? ये सर आ गया। चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग कर रहे था। ये सर चल भी। अच्छा तो दोबारा सुन ले, हमने ये क्या कहा था कि V कोई भी वेक्टर स्पेस है, W1 W2 कोई भी सबस्पेस है, तो इनकी इंटरसेक्शन भी सबस्पेस होनी चाहिए। सबस्पेस प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या थी? या तो हम उसको वेक्टर स्पेस प्रूफ करें, या फिर आप क्या कर लें, थ्योरम नंबर वन पे आ जाएं या थ्योरम नंबर टू के ऊपर आ जाएं। हम थ्योरम नंबर वन को यूज करते हैं। थ्योरम नंबर वन में क्या करते थे हम, W W1 और W2 कोई भी दो वेक्टर लेते थे, अगर आपको याद हो, किसमें कैपिटल W, तो एक तो क्या था उनका सम भी उसमें लाइक करना चाहिए, नंबर टू क्या था लीनियर कॉम्बिनेशन भी W में लाइक करना चाहिए। तो हम इसमें भी यही करते हैं कि
ये W1 और W2 तो सबस्पेसेस हैं, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1। हमने किसको अब सबस्पेस प्रूफ करने है? W1 इंटरसेक्शन W2, ठीक है। लेट X1 और X2 कोई भी दो एलिमेंट है किसमें? W1 इंटरसेक्शन W2, ठीक है। तो अगर ये इसके इंटरसेक्शन में आ रहा है, ठीक है, तो ये बात तो ऑब्वियस है। अगर X1 और X2 इनके इंटरसेक्शन में आ रहा है, देन X1 किस में लाई कर रहे हैं? X1 और X2 W1 में भी लाई कर रहे हैं, एंड X1 X2 W2 में भी लाई कर रहे हैं। जब कोई चीज इंटरसेक्शन में लाई करती है, इसका मतलब वो W1 में भी लाई कर रही है और W2 में भी लाई कर रही है, ठीक है। एंड देयरफॉर और W1 ये W1 जो आंसर था, ये ऑलरेडी सबस्पेस था, देयरफॉर इसका एडिशन भी किस में लाई करेगा? X1 X2 W1 में लाई करेगा एंड X1 प्लस X2 W2 में। क्यों ये की क्या वजह है? क्योंकि W1 और W2 ऑलरेडी सबस्पेसेस। अब क्या इसका जो सम है, क्या इनका जो सम है, देखें, अगर X1 और X2 W1 में भी लाई कर रहे हैं, X1 और X2 W2 में भी लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ऑलरेडी एक सबस्पेस थे। क्या इनका सम W1 में भी लाई करेगा और W2 में भी लाई करेगा या नहीं करेगा? करेगा, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। और उन्हीं दो नंबर अगर इधर हैं तो इनका सम भी इसमें लाई कर रहा है, तो इनका दोस्त इनका सम भी इसके अंदर लाई करेगा, W1 में भी और W2, ठीक है। हेंस हम कह सकते हैं इन्हीं को अगर रिवर्स लेके जाएं, ये दोनों में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है इसमें ए वन में भी लाई कर रहा है, टू में भी लाई कर, तो इसका मतलब है एक्स वन प्लस एक्स टू इनके इंटरसेक्शन में भी लाई कर, क्योंकि इंडिविजुअली दोनों के अंदर लाई, ठीक है। तो पहला थ्योरम था ये कि अगर कोई से भी दो एलिमेंट लें इनके इंटरसेक्शन, तो उनका सम किस में आना चाहिए? डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू के अंदर आना चाहिए। ये पहली प्रॉपर्टी थी। और दूसरी क्या थी? लेट कर लें अल्फा बिलोंग्स टू ट्री एल और X1 कर लें, ठीक है, X1 कर लें आप किसके अंदर? W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि X1 W1 में भी लाई कर रहा है और X2 W2 में भी लाई कर रहा है, ठीक है। और सिंस W1 एंड W2 और सबस्पेसेस, देयरफॉर अल्फा इनटू W1, अल्फा इनटू X1 ये भी W1 में लाई करेगा एंड अल्फा इनटू X1 ये W2 में भी लाई करेगा। देयरफॉर अगर ये दोनों में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इनके इंटरसेक्शन में भी लाई करे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है? ये W hence, hence W1 intersection W2 is subspace, ठीक है। ये चीज है, कोई भी बच्चा मुझे बताए इसमें कोई है कंफ्यूजन तो बता दे, कोई चीज पूछने वाली है। हाँ जी बच्चा, क्लियर है? यस सर, बहुत आसान सा थ्योरम है, ठीक है। तो अगर आपको यूं नहीं समझ आता ना, तो आप एक ना छोटी सी एग्जांपल लेके इसको कर लें, फिर इस थ्योरम को करने की कोशिश करें, फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा। एक एग्जांपल है आपके पास, एग्जांपल इससे रिलेटेड कर लेते हैं। Let W1 equal to 0AB such that B, बल्कि इसको B का नाम दे दें, इसको आप C का नाम कर, B and C किसको? रियल नंबर को बिलोंग, ठीक है। And W
टू किसको डब्ल्यू टू किस चीज के इक्वल है? ये है ए बी सी जिसमें तीन एलिमेंट आ रहे हैं, गिवन दैट ए बी सी ये भी किसको बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर को, ठीक है। ये भी थ्री डायमेंशनल का सबसेट है, ये भी थ्री डायमेंशनल का सबसेट है। इसमें जो चीज कॉमन आ रही है देखें, W1 और W2 में कुछ ना कुछ तो कॉमन है ना, क्या BC और BC कॉमन है, मतलब इनका थर्ड थर्ड एलिमेंट कब, और ये दोनों कोई भी बी एनी टू सब स्पेसेस ऑफ R3 प्रूव दैट W1 intersection W2 is a subspace of R Q, ठीक है। आपने क्या प्रूफ करना है? W1 और W2 क्या है? सबस्पेस है किसके? R Q के। तो तो प्रूफ करता हूं, अच्छा W1 इंटरसेक्शन W2 देखें क्या बनेगा आपके पास, या W1 उसने ये सेट दिया हो, ये इसका इंटरसेक्शन दिया, ठीक है ना। तो प्रूफ करते हैं ये, अगर इसका सेट है, लेट कोई से भी दो एलिमेंट है इसमें से चूज करें, लेट x1 आपके पास है 0 0 c1, इसी नेचर का आपने उठाया, ठीक है ना। एंड x2 क्या है? 0 0 c2, ठीक है। ये दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं? X1 और X2 किसको बिलोंग कर रहे हैं? W1 इंटरसेक्शन W2 को, ठीक है। प्रूफ करने के लिए मैंने ये कहा था कि आप थ्योरम नंबर टू को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, प्रूफ करने के लिए। और मैं कह देता हूँ कि अल्फा और बीटा कोई से भी दो रियल नंबर्स, ठीक है। तो अब जरा इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए, तो ये उसी नेचर का, मतलब पहले दो जीरो आना चाहिए और तीसरा नॉन जीरो, कोई भी नंबर रियल नंबर आना चाहिए। अल्फा टाइम ऑफ एक्स वन, बीटा टाइम ऑफ एक्स टू करें, क्या बनेगा आपके पास? अल्फा एक्स वन जीरो जीरो सी वन, बीटा जीरो जीरो सी टू, जीरो जीरो अल्फा सी वन, जीरो जीरो बीटा सी वन, ठीक है। जीरो जीरो अल्फा सी वन प्लस बीटा सी टू, ठीक होगी बात। तो ये जो नया नंबर बना है, क्या पहला जीरो है या दूसरा भी जीरो है या तीसरा क्या है? एक नॉन जीरो नंबर है जो ये भी रियल नंबर को बिलोंग करता है, सी वन और सी टू भी और अल्फा और बीटा भी, तो एक नॉन एक नया रियल नंबर, ये भी किसको बिलोंग कर रहा है? डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू का, उसी नेचर का बन गया जिस नेचर का डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू, डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू, ठीक है। तो Hence, W1 intersection W2 is subspace. ठीक है। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज मैंने बताई थी आपको लास्ट टाइम होमवर्क के लिए, एक्सरसाइज 5.2 लेक्चर नोट्स, ठीक है ना, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताई।
काफी बड़ी एक्सरसाइजेस को ट्राई कीजिएगा घर पे सॉल्व करने। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं आपके पास, वो है लीनियर कॉम्बिनेशन। सबस्पेस खत्म हो गई आपकी बस, ठीक है ना, वेक्टर स्पेस और सबस्पेस, लीनियर इंडिपेंडेंट, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन एंड लीनियर इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक, लेट क्या करते हैं, वी बी अ वेक्टर स्पेस। अगर कोई वेक्टर स्पेस है तो उसके कोई ना कोई एलिमेंट होंगे, एंड वी वन वी टू एंड सो ऑन वी एन, ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल वी को, ठीक है। अ लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन एल सी भी कह सकते हैं, ठीक है, ऑफ दीज वेक्टर्स, ये जो वेक्टर स्पेस के वेक्टर्स चूज किए ना, इज अ सम ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होंगे, I varies from 1 to n, AI, VI, ठीक है, क्या मतलब है इसका, A1, V1, A2, V2, so on, AN, VN, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये v1 v2 v3 up to so on vn वेक्टर थे, a1 a2 a3 up to so on an क्या है, ये आपके पास कांस्टेंट्स हैं, रियल नंबर्स हैं। तो जब हर कांस्टेंट को, हर वेक्टर को किसी कांस्टेंट के साथ वेटेज दी जाती है और उनको ऐड कर दिया जाता है, तो ये क्या बन जाता है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे a1 a2 so on an, ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, ये रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं अ वेक्टर, देखिए ये जो कैपिटल वी था ये वेक्टर था, ठीक है, ये इसके एलिमेंट, इसके एलिमेंट्स को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा, किसके साथ, रियल नंबर्स के साथ, ठीक है। तो वेक्टर जो अ वेक्टर V, अच्छा ये सारों को जब मैं ऐड करूंगा तो क्या एक नया वेक्टर नहीं बन जाएगा, एक नया वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। उसको, उस वेक्टर को मैं, चलो बाद में नाम देता हूँ, ये वेक्टर V बिलोंग्स टू कैपिटल V इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स v1, v2, so on, vn belongs to capital V. If V can be written as a1, v1, ठीक है, a2, v2, plus so on, an, vn, ठीक है। इस चीज को हम लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं, या इस v वेक्टर को हम क्या कहेंगे, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, इन वेक्टर्स का, ठीक है। यहाँ पे a1 a2 an किसको बिलोंग कर रहे, रियल नंबर,
अगर इसको ग्राफिकली समझना चाहें तो इसको यूं भी समझ सकते हैं, देखें ये कोई भी वेक्टर स्पेस है कैपिटल V, ठीक है, ये वेक्टर स्पेस, इसमें V1 एक वेक्टर आ रहा है, एक V2 वेक्टर आ रहा है, सो ऑन Vn एक वेक्टर आ रहा है, ठीक है, और हर वेक्टर किसी कांस्टेंट के साथ, ये एक वेक्टर का फंक्शन, ठीक है, जब ये किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, तो कोई उसमें छोटा वेक्टर बन गया, फॉर एग्जांपल ये अल्फा टाइम ऑफ वी वन करूंगा, तो या तो इसकी लेंथ ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी या इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी या सीधी उल्टी कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना, ये एल बी, ये ए वन है, ये ए टू है, वी टू करें तो एक ये वेक्टर बन जाएगा आपके पास, फिर ए थ्री वी थ्री या ए एन वी एन, ये वाला वेक्टर बन जाएगा, ठीक है, ये और वेक्टर थे, ये उन्हीं को हम, अच्छा अब क्या किया, अच्छा एक बात और भी याद नहीं है, लाजमी नहीं है ये वेक्टर उसी वेक्टर सबसेट के अंदर ही है, अब क्या करते हैं, कुछ ऐसे वेक्टर भी हो सकते हैं जो इससे बाहर चले जाएं, लेकिन क्योंकि ये वेक्टर स्पेस है तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन उसका उसी सेट के अंदर ही आता है, ठीक है ना, हम वेक्टर स्पेस में ये चीज प्रूफ करके आए, अच्छा अब क्या करें आप कि इनका सम करें, इन सारे वेक्टर का सम करें, ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू प्लस ऑन ए एन वी एन, ठीक है, और यहाँ पे एक वेक्टर लाई कर वी, ये वाला वी, तो ये इन सब को अगर मैं ऐड अप करूं, इन सारे वेक्टर्स को मैं ऐड करूं, इस एरो को इसके साथ जोड़ू, इस एरो को इसके साथ जोड़ू, इन सारे एरोस को जो मैं जोड़ देता हूं, ठीक है ना, इन सारे एरोस को मैं ऐसे जोड़ देता हूं, यूं करके एक नया वेक्टर बन जाता है ये वाला, ठीक है, तो इस वेक्टर को मैं क्या नाम दूंगा, इस वेक्टर को मैं वी का नाम दूंगा, और ये किस चीज की इक्वल होगा, ये वी वन ए वन वी वन ए टू वी टू सो ऑन ए एन वी एन से मिलकर बने, ठीक है, ये इन, ये जो वी वेक्टर है ये सारे इन वेक्टर से मिलकर बने, और ये जो वी वेक्टर है ये भी किसका हिस्सा है, ये कैपिटल वी का हिस्सा, ठीक होगी बात, समझ आई है डेफिनेशन की, लीनियर कॉम्बिनेशन इस स्मॉल वेक्टर वी को लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखा जाए, ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है, v इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स v1 v2 v3 अप टू सो ऑन vn इफ स्मॉल v कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेक्टर्स, लीनियर कॉम्बिनेशन का ये सिंबल होता है, आप कांस्टेंट्स को वेक्टर्स से मल्टीप्लाई करके ऐड अप कर देते हैं, ठीक है, ये भी बल्कि लिखा हो, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसमें कुछ चीज पूछनी है तो पूछ।